आप यही देखते हैं इसकी जाति कौन सी है, आप यही देखते हैं इसके माता पिता कौन है, परिवार फैमिली बैकग्राउंड क्या है। धोखे में आ जाओगे ये सब देखोगे तो। मैं पुलक सागर कहता हूं, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो तो कोई जरूरी नहीं कि औलाद अच्छी हो। फैमिली बैकग्राउंड दशरथ का बहुत अच्छा था लेकिन कैकेयी का चरित्र बहुत गड़बड़ था, ध्यान रखिए। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होने से बेटा अच्छा होगा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि आपको यदि अपनी बेटी की शादी करना है, उसके हाथ पीले करना है, उसका रिश्ता लेकर के जाना है, तो ना घर देखना, ना परिवार देखना, ना आप ये देखना कितना कमाता है, आप तो ये देखना कि जिस लड़के से अपनी लड़की की शादी कर रही हूं उसके दोस्त कैसे हैं, उसके यार कैसे हैं, उसके मित्र कैसे हैं। अरे पिता जैसा है बेटा वैसे ही होगा कोई जरूरी नहीं है, माता जैसी है बेटा वैसे ही होगा कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि दोस्त जैसे होंगे लड़का वैसा। दोस्तों का बैकग्राउंड देखो, आप ये देखो किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, कहां जा, मां बाप से छिपके काम करते हैं लड़के, माता पिता को पता नहीं चलता, और दोस्त सड़कों पे बाहर क्या करते हैं। किसी भी बेटी की शादी करो तो लड़के के दोस्तों के बारे में जानकारी जरूर लेना। यदि लड़का अच्छा होगा तो अच्छे लोगों की संगति में उठता बैठता होगा, वो लड़का यदि खराब होगा तो गलत लोगों की संगति में उठता बैठता। आदमी जैसे माँ बाप होते हैं वैसा नहीं होता, जैसे दोस्त होते हैं आदमी वैसा हुआ करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर एक सीख दी है मैंने आपको, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आप बताइए ना, एक बेटा सही गलत किसकी वजह से होता है, बाप की वजह से, मां की वजह से? नहीं मेरे भाई, एक शराबी बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा शराब ना पिए, ध्यान रखना। एक जुआड़ी भी चाहता है कि मेरा बेटा जुआ ना खेले, और एक बेस्या भी चाहती है कि मेरी औलाद इस गंदगी में जीवन ना बिताए, ध्यान रखना। एक चोर ने भी ये सपना नहीं देखा होगा कि मेरा बेटा चोर बने, कोई माँ बाप औलाद को चोर नहीं बनाते हैं, कोई माता पिता औलाद को झूठ बोलना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता शराब पीना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता सिगरेट पीना नहीं सिखाते हैं। सिगरेट पीने वाला बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा सिगरेट ना पिए, ध्यान रखना। मान्यवर मालूम है सिगरेट पीना कौन सिखाता है, दोस्त सिखाते हैं। सबसे पहले शराब पीना रिश्तेदार या माँ बाप ने नहीं सिखाया, शराबी बाप भी नहीं सिखाता है कि बेटा तू पी ले, ध्यान रखना। लेकिन सबसे पहले शराब पीना कोई सिखाता है तो दोस्त सिखाया करते हैं। सबसे पहले हाथ में सिगरेट आई तो माँ बाप और भाई के द्वारा नहीं, एक दोस्त के द्वारा हमारे हाथ में सिगरेट आती है, एक दोस्त के द्वारा हमारे जीवन में गलत चीजें आती हैं। और जब आदमी का स्टेटस ऐसा बन गया है सिगरेट नहीं पिए शराब नहीं पिए, तो कहते अरे कहां पिछड़ा हुआ आदमी, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तू अगरबत्ती में लटका है, ध्यान रखिए। मान्यवर ऐसे बहकाने वाले बहुत मिलेंगे जिंदगी में। मान्यवर मैं तो कहता हूं यदि बिगाड़ने वाले दोस्तों से तो बिना दोस्त की जिंदगी गुजार लो, वो अच्छी हुआ करती है। लेकिन ऐसे दोस्तों की संगति ना करो जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया करते हो। क्या हो रहा है हमारे देश में, विचार करिए आप। पड़ोस में रहने वाले से दोस्ती नहीं है और दुनिया से हजारों किलोमीटर दूर हैं उससे फ्रेंडशिप किया करते हैं। आप सोचिए, घर के लोगों से बातचीत नहीं हुआ करती है, दूसरों से रिलेशनशिप मनाई जाती, आप विचार करिए क्या होगा। हम अपना जीवन याद करते हैं, आज का बच्चा 5-10 साल का हो नहीं पाता, हाथ में महंगा मोबाइल आ जाता है, 5वीं 8वीं पढ़ता है स्कूटी आ जाती है, बच्चा गाड़ी चलाता है। हमें अपने दिन याद है भाई, तुम भी अपने दिन याद करो कि तुम्हारा बचपन कैसा था, अपने दिन वो कैसे थे। अरे 9वीं 8वीं क्लास में आने के बाद
मैंने फुल पैंट पहनना सीखा है मेरे भाई, हाफ पैंट में ही आठवीं क्लास तक पढ़ लिया करते थे, स्कूल में भी हाफ पैंट में ही चले जाया करते थे। अरे मोबाइल की बात तो छोड़ो, प्रतिदिन चने खाने को 10 पैसे भी नहीं मिला करते थे, ध्यान रखिए। उसमें अभी देखना पड़ता था, कई बार मनुहार करना पड़ता था, 10-10 पैसे चाराने के लिए हमें इंतजार करना पड़ता था। आज कितनी सुविधाएं हमारे बच्चों को है, टीवी है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, गाड़ी है, सब कुछ उसके पास है। आज पहले तो हम अपने माँ बाप से नजरें मिलाने में हमें डर लगता था, उनके सामने जुबान खोलने में डर लगता था। आज तो बच्चों को इतनी सुविधाएं दी जाती हैं, सब कुछ लगा देते हैं माँ बाप उनके लिए। पहले इतने लाड़ प्यार से कोई राजा रानी के बच्चे पला करते थे, जैसे आज साधारण लोगों के बच्चों का लालन पालन हो रहा है। बहुत अमीर लोगों के बच्चे होते थे जो बड़े लाड़ प्यार से पढ़ाए जाते थे, उन्हें बाहर पढ़ने भेजा जाता था। आज तो हर माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेज देता है कि उसका करियर बनना चाहिए, उस बच्चे का भविष्य बनना। कितनी सुविधाएं बच्चों को दी गई हैं भाई, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। दो, तुम्हारा लाडला है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधाएं दीजिए, लेकिन मैं सावधान कर रहा हूं आने वाले वक्त के लिए। समय से पहले हमें सुविधाओं के साथ साथ अच्छे संस्कार भी हमें देना पड़ेंगे। बच्चे वही करते हैं जो तुम करते हो, ध्यान रखिए। आप सोचते हो कि बुढ़ापे में हमारा बच्चा हमारी सेवा करे, एक अच्छा बेटा बने, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आज से ही अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाइए। अरे मैं कहता हूं कि अपनी भाषा पर विशेष ध्यान दीजिए, आदमी इतनी अनर्गल भाषा बोलता है कि वह भाषा एक दिन उसकी आदत बन जाती है, और ये आदत ब्लड में जाकर के घुल जाते हैं संस्कार, फिर वही उसकी जिंदगी बन जाती। आदर्श व्यक्तित्व बनिए, भाषा का एक आदर्श होना चाहिए। ऐसा परिवार बनाओ, ऐसा माहौल बनाए माताएं कि बड़ों से ही आप कहना ना सीखें, बल्कि बच्चों से भी आप कहकर के बातें करें, बच्चों में भी जी लगा करके बातें करें। अरे बच्चों की बात तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे घर में जो नौकर रहता है ना, उससे भी इज्जत से पेश आइए। इज्जत से पेश आएंगे ना तो नौकर ये नहीं कहेगा कि हर साल मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, यदि सम्मान दोगे तो उतनी तनख्वाह में भी आनंद के साथ जी लेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपका सत्कार करेगा। इज्जत से पेश आइए, ऐसे शब्द ना बोले। मैं बड़े आदर के साथ बहुत बहुमान देता हूं कि जैन समाज में एक समाज ऐसी है जिसने आज भी अपनी भाषा की सभ्यता नहीं खोई है, और इतनी अच्छी भाषा उनके घरों में बोली जाती है। मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश में घूमा करता हूं, लेकिन कह सकता हूं कि जैन समाज में खंडेलवाल जैन समाज वो समाज है जहां बोली में आदर्श हुआ करता है, बोली में सभ्यता हुआ करती है। अरे बड़े तो बड़े, वहां तो साफ लगा करके बात की जाती है, वहां तो अच्छे शब्द बोले जाते हैं, वहां काका जी नहीं कहा जाता है, काका साहेब कहकर के बुलाया जाता है। और तो और, वहां ऐसा कल्चर है, उनकी ऐसी संस्कृति है, ऐसी पढ़ी लिखी समाज है कि ड्राइवर को भी ड्राइवर कह के नहीं बुलाते हैं, उसे भी ड्राइवर जी कह करके आवाज दिया करते हैं। ये सभ्यताएं सीखिए। आप कैसा बोलते हैं अपने घर में? इज्जत से बोलेंगे तो बच्चा भी इज्जत से बोलेगा, ध्यान रखिए। मान्यवर, किसी आदमी को क्या चाहिए? दो मीठे शब्द चाहिए, और क्या चाहिए? तुम्हारे घर कोई आ जाए, मैं कहता हूं चाय फीकी हो तो चल जाएगी, लेकिन आदमी की वाणी बड़ी मीठी होना चाहिए। मीठी वाणी होगी, वाणी अंतरंग का दर्पण हुआ करती है। आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे आपके स्तर का पता चलता है, जिन भाषा का आप प्रयोग करते हैं उससे आपके चिंतन का पता चलता है। यदि आप असभ्यता भरी बातें बोलते हैं
तो समझ लीजिए हमारा स्तर बहुत गिरा हुआ स्तर है। अच्छी भाषा का प्रयोग करिए, नौकर से भी आप कहकर और जी लगाकर बात करना सीखिए। यह बच्चों की परवरिश करना। मान्यवर सोचना है आपको, एक दो दिन अटपटा लगेगा जिन घरों में आदत नहीं है अच्छे से बोलने की। अब एक दो दिन यदि आप कहोगे बच्चों से तो बड़ा अटपटा लगेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा हंसी भी आएगी। लेकिन आप इस हंसी से मत घबराएं, दो चार दिन बुरा लगता है और एक दिन यही शब्द हमारे जीवन की आदत बन जाया करते हैं। और आज जो बुरा लग रहा है दो लोग घर के हंसेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन कल जो हंसने वाले हैं वही तुम्हारा आदर्श व्यक्तियों में नाम लेंगे, वही तुम्हें इज्जत से बात करेंगे। इसलिए कभी भी राजस्थान में, मारवाड़ में आप जाइए, जोधपुर में जाइए, वहां तो मेरे भाई गाली भी बड़ी अदब से दी जाती है। वहां कुत्ते को कुत्ता नहीं कहा जाता, वहां कुत्ता सा कह करके बुलाया जाता है। गाली भी देना है, कोई आ जाए मेहमान तो कहा जाता है पधारो सा, और जाता है तो कहा जाता है पधारो सा। कोई नहीं कहता कि अब आप जाइए। विचार करिए आप, भाषा में सभ्यता होना चाहिए। सभ्य भाषा होगी, जब तक आदमी नहीं बोल रहा है तब तक उसके प्रति आप कोई आकलन नहीं कर सकते हैं, और जिस दिन आदमी बोल पड़ता है पता चलता है कि कितने गहरे पानी में आदमी जिया करता है। अच्छी भाषा का प्रयोग करिए, बेहतरीन शब्दों का चयन करिए अपने जीवन में। यदि बच्चों को अच्छी परवरिश देना है, ध्यान रखिए, आपकी जिम्मेदारी है। एक बात याद रखना, एक विद्यालय बनाना बहुत आसान काम है, सौ सौ स्कूल बनाना आसान काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। सौ सौ विद्यालय बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बच्चे को अच्छे संस्कार देना ये सौ विद्यालय से बढ़कर भी मेहनत का काम हुआ करता है, सौ सौ स्कूल से भी बड़ा काम हुआ करता है। मंदिर बनाना आसान है, लेकिन एक व्यक्ति को इंसान बनाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। ध्यान रखिए, स्कूलों की पढ़ाई के भरोसे मत रहना, वहां तो गा से गधा पढ़ाया जाता है मेरे भाई, उससे क्या संस्कार जीवन में मिलेंगे। अच्छे संस्कार देना है, अच्छी भाषा देना है। स्कूलों में जाओगे तो आ से अनार पढ़ाया जाएगा, सा से सड़क पढ़ाई जाएगी, दा से दवात पढ़ाई जाएगी। स्कूलों की पढ़ाई में यही तो पढ़ाया जाता है बचपन से, और क्या सिखाया जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं मुझ पुलक सागर की पाठशाला में आना, मैं आ से अनार नहीं सिखाऊंगा, मैं आ से अदब सिखाऊंगा और सा से सलीका सिखाऊंगा। अरे आ से अदब सिखाइए, सा से सलीका सिखाओ, दा से दोस्ती सिखाइए मान्यवर, और बा से बहादुरी सिखाइए। बा से बकरी सिखाओगे तो बकरी जैसा मैं करता रहेगा जिंदगी भर। क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में आजकल? एक वो अंग्रेजी और आ गई कॉन्वेंट की शिक्षा, हमारी छाती पे चढ़ करके बैठ गई। जब तक दो चार फर्राटेदार इंग्लिश के शब्द ना बोले जाएं, तब तक लगता है ये पिछड़ा हुआ आदमी है, बड़े बैकवर्ड का आदमी है, ये आदमी आदर्श नहीं है। मैं कहता हूं कि अंग्रेजी के पास वो शब्द नहीं होंगे जितनी सभ्यता के शब्द हमारी हिंदी के पास हुआ करते हैं। विचार करिए आप, इंग्लिश से ज्यादा कठिन काम हिंदी हुआ करती है। अंग्रेजी में तो बड़ों को भी यू बोला जाता है, छोटों को भी यू बोला जाता है, बराबर वालों को भी यू, यू का अर्थ होता है तुम, ध्यान रखिए। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ देखा जाता है कि बड़ों को बोलने में कितने सभ्यता भरे शब्द होना चाहिए, आपस में कैसे शब्द होना चाहिए और छोटों में कैसे शब्द। क्या सिखाएगी अंग्रेजी बताइए आप? मान्यवर कभी वर्णमाला देखिए, आ अनार से शुरू होती है, एंड किस पे होती है? इतनी तो हिंदी पढ़ी होगी, किस पे होती है? ज्ञा ज्ञानी पे शुरू होती है। अंग्रेजी की वर्णमाला कहां से शुरू होती है?
ए से शुरू होती है, एंड किस में होती है? जेड में होती है। जेड माने जेब्रा। मेरी भाषा मातृभाषा जो है ना वो अनार से शुरू होती है और ज्ञानी बनाकर समाप्त होती है, और अंग्रेजी जो है एप्पल से शुरू होती है और जेब्रा बनाकर छोड़ा करती है। और जेब्रा का अर्थ होता है अंग्रेजी घोड़ा, जेब्रा अंग्रेजी गधा, घोड़ा भी नहीं। ध्यान रखिए, अच्छी भाषा बोल, संस्कारित शब्द होना चाहिए। बच्चों की यदि परवरिश करना ऐसा व्यवहार ना बनाएं अपने घर में कि बच्चे और पत्नी इंतजार करें कि पिताजी थोड़े बाहर चले जाएं तो हम सुकून का जीवन जी सकें। नहीं मेरे भाई, इसका मतलब है आपका व्यवहार रूखा है। आपके घर से जाने के बाद बच्चे यदि नाचते हैं, खुशी होते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं तो आपका व्यवहार जरूर रूखा है। अरे ऐसा जीवन ना बनाए कि पत्नी और बच्चे कहें कि कुछ देर को तुम बाहर चले जाओ। ऐसा जीवन बनाओ कि 5 मिनट लेट आओ तो पत्नी का भी मन ना लगे और बच्चों का भी मन ना लगे। अच्छा जीवन अपना बनाइए, अच्छा व्यवहार अपना बनाइए, जिंदगी को संभालने का प्रयास करें। मन थोड़ा बहुत पढ़ने क्या लगता है बच्चा? क्या क्या पकड़ा देते हैं उसके हाथ में? अखबार आ जाता है उसके हाथ में, फिल्मी कहानियां आ जाती हैं उसके हाथ में, और आजकल तो मैगजीन भी कोई नहीं पढ़ता, अखबार भी कोई नहीं पढ़ता। जब से मोबाइल क्या आ गया है, किसी के हाथ में किताबें दिखाई ही नहीं दिया करती हैं। मोबाइल में लगा रहता है, रात दिन चैटिंग में लगा रहता है, व्हाट्सएप में लगा रहता है, फेसबुक में लगा रहता है। ऐसा फेसबुक में लगा है बच्चा कि घर में माँ बाप का फेस देखना भी पसंद नहीं किया करता है, उसी में लगा। वारी ये संस्कृति।